अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के प्रीमियम मेंबरशिप के इस खास एपिसोड में। डियर स्टूडेंट्स, आज आप इस प्रीमियम मेंबरशिप के 9वीं क्लास तक आ चुके हैं और आज की इस क्लास में हम सभी चैप्टर ऑथर इंट्रोडक्शन की जो सीरीज हमने शुरू किया था उसके पोएट्री सेक्शन के 8th चैप्टर फायरहाइम की चैप्टर और ऑथर एनालिसिस करेंगे। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को चैप्टर और ऑथर की एनालिसिस इस सीरीज में फायरहाइम और केकी एन दारूवाला का एनालिसिस करूंगा और इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हम सब सीखेंगे जो बोर्ड मॉडल एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। आप जैसा कि जानते हैं फायरहाइम आप 12th क्लास इंग्लिश का 8वां चैप्टर है और ये एक रिलीजियस पोयम है, धार्मिक कविता है ये और बेस्ड ऑन जोरोस्ट्रेन। जोरोस्ट्रेन किसे कहते हैं? तो ये एक धर्म है, एक जाति है, पारसी जाति को कहा जाता है जोरोस्ट्रेन। तो जोरोस्ट्रेन धर्म पर आधारित ये कविता है जिसके राइटर हैं केकी एन दारूवाला, जिनका जन्म 1937 में हुआ और मृत्यु 2010 ईस्वी में हुई। आइए इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे कि इस चैप्टर का नाम है फायरहाइम, हाइम का मतलब क्या होता है? आइए हम सीखते हैं सबसे पहले कि हाइम किसे कहते हैं। अ हाइम इज अ टाइप ऑफ सॉन्ग यूजुअली रिलीजियस। हाइम क्या होता है? तो एक तरह का गीत है, एक तरह का सॉन्ग है, खास तौर पे ये धार्मिक गीत होते हैं, स्पेशली रिटन फॉर द पर्पस ऑफ एडोरेशन और प्रेयर। खास तौर पे इस तरह की कविता को, इस तरह के संगीत को पूजा अर्चना के लिए लिखा जाता है। द वर्ड हाइम डराइव्स फ्रॉम ग्रीक हाइमनोज विच मीन्स अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। ये जो हाइम शब्द है ये ग्रीक भाषा के हाइमनोज शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा के लिए गाया जाने वाला गीत। तो फायर मीन्स आग और हाइम मीन्स भजन, यानी आग का भजन, आग की स्तुति, आग की प्रशंसा इस चैप्टर का उद्देश्य है। अब आग की प्रशंसा क्यों, इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए जोरोस्ट्रेन जो होती है एक जाति है और इसी पर आधारित ये कविता है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। तो जोरोस्ट्रिनिज्म ये पारसीवाद क्या है? तो ये एंशियंट प्री इस्लामिक रिलीजन ऑफ ईरान, ईरान की ये जाति है और इस्लाम धर्म आने से पहले आ चुकी थी। दैट सर्वाइव्स देयर इन आइसोलेटेड एरियाज एंड मोर प्रॉस्पेरोसली इन इंडिया। ये कई जगहों पर स्थित है और इंडिया में भी है ये, और ये काफ़ी संपन्न होते हैं लोग, प्रॉस्पेरस होते हैं, सुखी संपन्न जाति है ये। वेयर द डिसेंडेंट ऑफ जोरोस्ट्रेन ईरानियन पर्सियन इमर्जेंट्स आर नॉन पारसी और पारसीज, इन लोगों को हम पारसी के नाम से भी जानते हैं। तो जोरोस्ट्रेन क्या है? तो एक इस्लामिक जाति, इस्लामिक जाति के आने से पहले ईरान से इसकी शुरुआत हुई और इस जाति का ये सिंबल है, ये उसका प्रतीक चिन्ह है। ये लोग आग की पूजा करते हैं और जिस तरीके से हिंदू धर्म में मरने के बाद शव को, मृत शरीर को आग के हवाले किया जाता है, जलाया जाता है, ये लोग पारसी धर्म के लोग इसे अमानवीय कार्य समझते हैं और ये लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार जलाकर नहीं करते बल्कि किसी दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं। शरीर को आग में जलाना आग को पवित्र करने के
आग को अपवित्र करना है, ये मानते हैं ज़ोरोस्ट्रियन जाति के लोग। यानी उनका मानना है कि अगर शरीर को आग में जलाएंगे तो आग अपवित्र हो जाएगा। इनका भी एक धर्म ग्रंथ है, जैसे हिंदू जाति में धर्म ग्रंथ है रामायण गीता, मुसलमान धर्म में कुरान है, वैसे ही ज़ोरोस्ट्रियन धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो है अवेस्ता। अवेस्ता इनका धार्मिक ग्रंथ होता है। आइए चैप्टर के बारे में बात करें। केकयन दारुवाला, जो बहुत सुंदर तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये कोई मामूली आदमी नहीं थे। इनका जन्म 1937 में हुआ। डेट और मंथ मैंने बहुत खोजने की कोशिश की पर गूगल साइट पर भी नहीं है। 1937 में हुआ और इनकी मृत्यु 2010 ईस्वी में हुई। ये एक इंडो एंग्लियन राइटर थे, भारत के रहने वाले लेकिन इंग्लिश में रचना करने वाले लेखक थे। और इनकी एक फेमस किताब है द कीपर ऑफ द डेड। द कीपर ऑफ द डेड में से ही आपका ये पोएम लिया गया है। और द कीपर ऑफ द डेड इस बुक की वजह से केकयन दारुवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। बात जानते हैं केकयन दारुवाला के बारे में, तो केकयन दारुवाला का पूरा नाम था केकी नसरवांजी दारुवाला। इनका जन्म 1937 में हुआ लाहौर में। 1937 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, ये ब्रिटिश इंडिया का समय था और लाहौर उस समय इंडिया में आता था, तो लाहौर में इनका जन्म 1937 में हुआ। लेकिन बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारा होने से पहले ही 1945 में ही इनके जो माता पिता थे इनको लेकर रामपुर आ गए, इंडिया में आ गए। यानी इन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया और ये हिंदुस्तान में आकर बस गए। केकयन दारुवाला जो थे वो उन्होंने मास्टर की डिग्री ली, एमए की डिग्री ली इंग्लिश लिटरेचर से पंजाब यूनिवर्सिटी से, लुधियाना से उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया, इंग्लिश से इन्होंने एमए किया था। और 1958 में 1958 ईस्वी में उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन कर लिया, वो आईपीएस अधिकारी बन गए हमारे केकयन दारुवाला। आईपीएस अधिकारी भी थे ये, न सिर्फ एक पोएट थे, न सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, साथ ही साथ ये एक आईपीएस ऑफिसर भी थे, सिविल सर्वेंट थे ये। He was awarded साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984, 1984 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। और कवियों के लिए साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा सम्मान होता है साहित्य अकादमी अवार्ड। उसके बाद कदम रुके नहीं इनके, इनकी कविताओं की प्रशंसा चारों तरफ होने लगी। और अंत में 1987 में ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड देकर सम्मानित किया। यानी ये दो दो अवार्ड इनको मिले, एक साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1984 में और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड इनको मिला 1987 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके आधार पे पूछे जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। इनके कुछ किताबें हैं, जैसे एक किताब इन्होंने लिखी अंडर ओरियन, जिसका प्रकाशन 1970 में हुआ। एप्रिसिएशन इन अप्रैल 1971 में इसका प्रकाशन हुआ। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में इसका प्रकाशन हुआ। ये इनकी कुछ किताबों का नाम है। और इनकी जो कविताएं होती हैं, आप जानते हैं कि जितने भी कवि होते हैं इस दुनिया में उन सभी की अपनी अपनी शैली होती है, अपना अपना तरीका होता है पोएम लिखने का। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी केकयन दारुवाला की कविताओं की, क्या विशेषताएं थी इनकी? तो द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री, उनकी कविताओं का जो थीम था उसमें देखने को मिलता था प्यार, मृत्यु, वर्चस्व या फिर किसी की बुराई, निंदा और ह्यूमन समाज की जो दुर्दशा है वो, अहिंसा, इन सारी चीज़ों पे इनकी कविताएं फोकस करती थी। लव पर, डेथ पर, डोमिनेशन पर, साइनिज्म पर, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पर और वायलेंस पर ये अपनी कविताएं लिखते थे। इनकी कविताओं की यही थीम होती थी।
आगे जाने, अब हम अपने प्रस्तुत कविता के बारे में जाने। तो ये जो तस्वीर आपको दिख रही है उंगली उठाए हुए, दरअसल ये पारसी धर्म के प्रवर्तक थे। इन्होंने पारसी धर्म की शुरुआत की थी और जो जोरोस्ट्रैन है इन्हीं के नाम पे रखा गया है। इन द पोयम फायरहाइम द स्पीकर रिवील्स हिज रिलीजियस आइडेंटिटी टू शो द रिलीजियस लीनिंग ऑफ ए पारसी। ये जो पोयम है फायरहाइम, इसमें जो कवि है वो दर्शाता है अपनी धार्मिक पहचान को और वो बताता है कि एक पारसी धर्म का व्यक्ति किस तरीके से जुड़ा होता है अपने धर्म के साथ। पारसी लोग ये मानते हैं कि लगातार संघर्ष होता आ रहा है इस दुनिया में रोशनी और अंधेरे के बीच में, लाइट एंड डार्क के बीच में शुरू से ही संघर्ष चलता आ रहा है। जब से ये दुनिया है तब से अंधकार और प्रकाश की लड़ाई हो रही है। बाद में लोगों ने इसी प्रकाश को ज्ञान का नाम दिया, अंधकार को अज्ञान का नाम दिया। तो शुरू से ही ये दुनिया ज्ञान और अज्ञान के बीच लड़ रही है, प्रकाश और रोशनी के बीच युद्ध हो रहे हैं। ये जो आपका प्रस्तुत जो पोयम है फायरहाइम, दरअसल फायरहाइम में कवि एक शमशान घाट की चर्चा करता है। ऐसा शमशान घाट जहाँ हिंदू लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते हैं। तो जब उन चिताओं को जब वो जलते हुए देखता है कवि तो बिल्कुल डर जाता है और अपने पिता के साथ वो होता है। बहुत सारी बातें उसे वहाँ दिखाई पड़ती हैं। उसे लगता है कि आग को ये अपवित्र किया जा रहा है। फिर वो देखता है कि जली हुई जो चिता है उसमें कुछ हड्डियाँ अभी भी दिख रही हैं, मतलब लाश को आग ने पूरी तरह से जलाया नहीं है। तो कवि को वहाँ गुस्सा भी आता है कि जिस आग की हम पूजा करते हैं वो आग भी गलतियाँ कर रहा है, और वो कसम खाता है कि आग को इस पाप से वो बचाएगा। फिर उसके जीवन में 20-25 साल बाद एक ऐसी घटना होती है, उसका बेटा मर जाता है और जहाँ पे पारसी धर्म के नियम से अंतिम संस्कार होता है वो जगह लगभग हजारों मील दूर होती है। तो वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार उसी चिता पर ही, यानी हिंदू धर्म के रीति रिवाज से ही कर देता है, जला के कर देता है। और जब आग जल रही होती है उसमें इसके बेटे की लाश जल रही होती है तो अचानक से इसके दिमाग में ये बात आता है कि मैंने अपने पारसी धर्म के विरोध में जाके काम किया, मैंने अपने पारसी धर्म को तोड़ा है, हे भगवान मुझे इस पाप से बचा लेना, मुझे क्षमा करना। और फिर वो कसम खाता है कि मैं जीवन में कभी अपने धर्म के विरोध में नहीं जाऊंगा। तो ये आपके इस चैप्टर में ये डिटेल वर्णन किया गया था। अभी तो हम लोग चैप्टर ऑथर एनालिसिस कर रहे हैं, जब बारी आएगी एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ने की तो हम ज़रूर पढ़ेंगे, पर ये सारी क्लासेज जो एक एक लाइन एक एक वर्ड हर एक ग्रामर का जो बिहार बोर्ड के अनुसार मुझे पढ़ाना है वो मैं अपने ऐप पर पढ़ाऊँगा। अब जैसे ही 10th चैप्टर मदर माई ग्रैंड मदर्स हाउस रिटन बाय कमला दास, 2 चैप्टर और रह गए हैं, यही आपकी फ्री क्लासेज हैं। आगे क्लास कंटिन्यू देखने के लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा। आइए पढ़े गए चीज़ों के आधार पर अपना टेस्ट करते हैं, खुद को जांचते हैं। पहला क्वेश्चन, फायरहाइम इज रिटन बाय, फायरहाइम के लेखक कौन हैं? तो आप सब जानते हैं कि फायरहाइम को लिखा है KKN दारूवाला ने। आगे से मैं आपको 5 सेकेंड का समय दूंगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है कि द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स टू द पोएट, आग की जो लालिमा थी लेखक ने उसे किस रूप में देखा? अच्छा लगा लेखक को, निर्दयी लगा लेखक को, कंफर्टेबल लगा, एक्सेप्टेबल लगा? 5 सेकेंड में आपको दे रहा हूँ, आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? आग की लालिमा कैसी दिखती है, जलता हुआ आग कैसा होता है? जी, क्रूवेल होता है, निर्दयी होता है, किसी को भी जला देता है। अगला क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग इज एन इंडो एंग्लियन पोएट, नीचे 4 पोएट का नाम दिया गया है, कौन सा पोएट इंडो एंग्लियन पोएट है? तो आप तो T.S. एलियट इंडिया के थे नहीं, वाल्टर डेलामियर भी इंडिया के नहीं थे, महात्मा गांधी इंडिया के थे लेकिन वो पोएट नहीं थे। KKN दारूवाला इसका राइट आंसर है। द टर्म जोरोस्ट्रैन इन द फायरहाइम इज स्टैंड फॉर,
जो स्ट्रेंथ शब्द का प्रयोग फायरहाइम कविता में किस चीज के लिए हुआ है बताइए। नीचे चार जातियों का नाम दिया है, किस जाति के लिए जोरोस्ट्रियन शब्द का प्रयोग हुआ है? आप कमेंट्स दीजिए, पढ़ते हैं तो कमेंट्स दीजिए, अच्छा लगता है जी। पारसी धर्म के लिए किया गया है। अगला, केकियन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन, साहित्य अकादमी अवार्ड केकियन दारूवाला को कब दिया गया था? 5 सेकेंड का समय आपको दे रहा हूं मैं। जी राइट आंसर है 1984, 1984 में दिया गया था। दारूवाला नोन एज वेल नोन पोएट एज वेल एज, पोएट भी थे साथ ही साथ वो क्या थे? ड्रामाटिस्ट थे, नोबेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, नॉन ऑफ दिस कोई नहीं थे इसमें, तो केकियन दारूवाला शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केकियन दारूवाला बिलोंग्स टू रिलीजन, केकियन दारूवाला का संबंध किस जाति से था, वो किस जाति के थे केकियन दारूवाला? हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, जोरोस्ट्रियन? 5 सेकेंड का समय आपको दिया गया है। जी राइट आंसर है जोरोस्ट्रियन जाति से थे। केकियन दारूवाला वॉज नॉट ओनली ए पोएट बट ऑल्सो अ, केकियन दारूवाला न केवल एक पोएट थे बल्कि और भी क्या थे? पोएट के साथ साथ क्या वो सिंगर थे, क्या वो सिविल सर्वेंट थे, पुजारी थे, या शॉर्ट स्टोरी राइटर थे? तो पोएट के साथ साथ वो एक सिविल सर्वेंट भी थे, समाज सिविल सर्वेंट, आईपीएस अधिकारी बने थे तो सिविल सर्वेंट हो गए, और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे वो, तो एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। सिविल सर्वेंट का आंसर आप टिक कीजिए फिलहाल। फायरहाइम डील विथ घाट, फायरहाइम में किस घाट की चर्चा है? नहाने वाली घाट की, शमशान घाट की, पानी पीने वाले घाट की, या किसी की नहीं? तो फायरहाइम में चर्चा है बर्निंग घाट की, यानी शमशान घाट की। और केकियन दारूवाला वाज बॉर्न इन, केकियन दारूवाला का जन्म हुआ था, 5 सेकेंड आपको मैं दे रहा हूँ, जल्दी से इसका आंसर आप मैसेज कीजिए, केकियन दारूवाला का जन्म कब हुआ था? 1937, 1937 में। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट हैड बीन इन पुलिस सर्विस ऑल्सो, चार कवियों का नाम दिया गया है बताइए कौन सा कवि पुलिस सर्विस में भी था? तो केकियन दारूवाला सब जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, केकियन दारूवाला वाज द रिसिपिएंट ऑफ, केकियन दारूवाला को मिला हुआ था, प्राप्तकर्ता थे वो किसके? क्या उनको पुलिट्जर प्राइज मिला था, क्या उनको कॉमनवेल्थ मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, या फिर कॉमनवेल्थ भी मिला था और साहित्य अकादमी भी मिला था? जी दोनों मिले थे उनको, तो बी एंड सी बोथ, उन्हें कॉमनवेल्थ अवार्ड भी मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। तो ये स्टूडेंट्स यही था आज की क्लास में, और 9th और 10th दो चैप्टर बच गए एनालिसिस के। प्रीमियम मेंबरशिप के इस क्लास में मैं इन दोनों चैप्टर को एनालाइज कर दूंगा, और वेडनेसडे से, बुधवार से जो क्लासेज होंगी फ्री क्लासेज ख़त्म हो जाएंगी, बुधवार से पेड क्लासेज होंगी। पेड क्लासेज ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ूंगा। 500 रुपीज़ की फ़ी दी गई है, 500 रुपीज़ में आपके 100 डेज की क्लासेज हैं, जो काफ़ी बेनिफिशियल है। इस 100 डेज में आप ग्रामर, बुक, बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम 100 डेज की अगेन क्लासेज लाएंगे। ये 100 डेज जैसे कंप्लीट होगा हम फिर एक बार और 100 डेज की क्लास लेंगे, और उसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी पढ़ लेंगे, 100 नंबर हिंदी भी उसमें हम पढ़ लेंगे। तो ये क्लासेस थी स्टूडेंट, प्राइम मेंबरशिप के साथ जुड़िए, अपना करियर अपना फ्यूचर दोनों बचाइए, क्योंकि ये लॉकडाउन बहुत लंबा चलने वाला है और थर्ड वेव की भी आशंका है। ऐसे में स्कूल कॉलेजेस संस्थान बंद रहेंगे बहुत हद तक, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जरूर रखिए। मैं आपका बीके सिंह आपके साथ हर कदम पर।